एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया स्टाइल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैंने जो ये लुक क्रिएट किया है, ये है वन ब्रांड मेकअप लुक। ये मैंने मैक ब्रांड से क्रिएट किया है। मेरे पास मैक का ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने उसी से ट्राई करके ये लुक क्रिएट किया है। तो लगता है आप लोगों को शायद हेल्पफुल होगा मैंने इतना कम सारा सामान में कैसे ये लुक क्रिएट किया है। तो मेरे पास क्या क्या था मैं दिखा रही हूँ। मेरे पास था NC35 मैक का ये स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट, और था NC20 स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट। मेरे पास कोई कॉन्सीलर नहीं था, ये दो शेड मेरे पास था। और मेरे पास है ये कॉम्पैक्ट पाउडर मैक का, ये भी अगेन स्टूडियो फिक्स है, इसका शेड है NC35। ये मेरा और हाइलाइटर है सॉफ्ट एंड जेंटल, मैक का हाइलाइटर है, ये बहुत ही अच्छा है। और मैं जब ये हाइलाइटर खरीदी थी तो मुझे ये मस्कारा मैक का छोटू सा, देन ये प्रेप प्लस प्राइम क्रीम एंड और एक स्टोप क्रीम मुझे कहाँ गया, ये स्टोप क्रीम फ्री में मिला था मेरे मुझे, और ये भी फ्री में आया था। वो तब क्या ऑफर था शायद 3000 ऊपर परचेस करने से ये सारा सामान फ्री में मिल रहा था, और ये शेड फ्री में आ रहा था। ये पाउच में शेड है NC43, NC44 एंड NC45। तो मैंने NC45 यूज़ किया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा सामान, और ये मेरे पास फिक्सर था मैक का। बस ये कुछ सामानों से मैंने ये लुक क्रिएट किया है। तो मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, बिना आई शेडो के, बिना आईब्रोज के, बिना काजल के, तो कैसे क्रिएट किया है चलिए जाके देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मेकअप मैं स्किन केयर कर चुकी हूँ, अब मैं लगा रही हूँ पे प्लस प्राइम क्रीम मैक का। अब मैं लगा रही हूँ ये मेकअप इल्यूमिनेटिंग बेस, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मैक का ये फिक्सर। ये भी पे प्लस प्राइम है, क्योंकि ये मेकअप से पहले भी आप यूज़ कर सकते हो, बाद में भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन NC35। इसे मैं फुल फेस पे ऐसे ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मीडियम कवरेज देता है, आप बोल सकते हैं फुल कवरेज ही देता है, क्योंकि आप देख सकते हो उतना कुछ हार्ड ही हो चुका है सब कुछ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये NC20 मैं मैक का ही, क्योंकि आज वन ब्रांड मेकअप है इसलिए मैं मैक का ही सारा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं हाइलाइटिंग कर लूँगी अपने अंडर आइज पे, चीक्स बोन पे, नोज़ पे। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैक का NC45 शेड एज ए कंट्रोलिंग, क्योंकि मेरे पास कोई भी कंट्रोल नहीं था, मैं इस शेड से ही कंट्रोल कर रही हूँ। देखिए जहाँ जहाँ कंट्रोलिंग करना है, मुझे फेस को कटिंग करना है, वहाँ पर मैं कंट्रोलिंग अप्लाई कर रही हूँ एज ए कंट्रोलिंग। इस ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ, सॉरी इस फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। उसके बाद मेरे पास तो कोई आई शेडो नहीं है, इसलिए मैं आई लिड्स के ऊपर भी इसी शेड को अप्लाई कर रही हूँ। मैं फुल फेस को ब्लेंड कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं मैक का ये लिपस्टिक से ही अपने गालों को ब्लशिंग दे रही हूँ। तो मेरे पास कोई ब्लशर नहीं था मैक का, इसीलिए मैं लिपस्टिक से ही ब्लशर बना ली। उसके बाद मेरे पास मैक का ये NC35 स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैं उससे अपने मेकअप को सेट कर लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि केकी ना दिखे और मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। देन मैं देखो आँखों को ऐसे सेट कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने फाउंडेशन ही अप्लाई किया था। उसके 5 मिनट्स बाद मैं आँखों पर क्या कर रही हूँ, मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये मैक का मस्कारा है, ये मैक का मस्कारा, स्टोप क्रीम, प्राइम क्रीम, छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं, ये 3 प्रोडक्ट्स मुझे मैक का हाइलाइटर के साथ फ्री मिला था। मैंने नायका से परचेस किया था, तब से एक ऑफर था कि 3000 शायद परचेस करने से ये आपको फ्री में मिल रहा था, और शेड कार्ड भी मुझे मिला था। देखिए मैं मस्कारा को लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काजल अप्लाई नहीं करूँगी। मेरे पास आईब्रोज़ के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था, इसलिए मैं आईब्रोज़ के लिए ये मस्कारा को अप्लाई करूँगी। और गाइस क्या बोलूँ, ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, देखिए आईब्रो भी कितना अच्छा से फील हो गया। उसके बाद माय फेवरेट मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल हाइलाइटर, मैं इसे अपने नोज़ पे, उसके बाद चिक बोन्स पे, अपने माउंटेन पॉइंट्स पे, हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ, इनर कॉर्नर पे, और मैं इसे एज ए आई शेडो
अपने आईलिड्स पे भी अप्लाई करूँगी, देख सकते हैं आपको, आपको लगेगा कि आप कोई आई शेडो से आई मेकअप किए हैं, लेकिन एकदम इजी वे से आपको कुछ प्रोडक्ट से इतना अच्छा मेकअप लुक मिल जाएगा। और मैक का मैं ये लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, ये लिपस्टिक मुझे गिफ्ट में मिला था गाइस, इसलिए मुझे पता नहीं उन्होंने कहाँ से परचेस करके दिया था मुझे। तो इसका एक साइड आपको क्रीमी लिपस्टिक है, एक साइड आपका लिक्विड लिपस्टिक है। मेरा लुक कंप्लीट है, मैं इसे मेकअप सेटिंग स्प्रे से, यानी कि मैक का वही स्प्रे से, प्लस प्राइम स्प्रे से फिक्स कर लूँगी। मैं स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसे डैब डैब कर लूँगी ताकि वो स्किन में पुश हो जाए और अच्छे से मेकअप सेटिंग हो जाए। तो माय लुक इज़ कंप्लीट गाइस। तो आप लोग देख चुके हैं मैंने इतना थोड़ा सा सामान में मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। तो आपके पास भी हो तो आप भी वन ब्रांड से ऐसे मेकअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।